नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर भवदीप भाटिया टॉक शो के अंदर। और मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर दिलबाग राय भाटिया जी से, जो कि मेरे फादर हैं और मेरे गुरु भी हैं। और आज वो हमसे बात करने जा रहे हैं पूरी बॉडी की, और पूरी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ग्रहों को हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इनके उपाय होते हैं, हम इन सभी पहलुओं को देखेंगे। और दोस्तों, हम जो शुरुआत करेंगे अपनी, हम बिल्कुल हेड टू टो सारा चीज डिस्कस करेंगे, सिर से लेके पांव तक। और अब मैं अपने फादर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, और मेरे जो कि मेरे गुरु भी हैं। तो नमस्कार डॉक्टर डी आर भाटिया जी, आपका स्वागत है पापा। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलबाग राय भाटिया, मैं रिटायर्ड पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर हूँ, और ज्योतिष में मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मलेशिया में दिया गया था 2016 में, और लास्ट ईयर मुझे इंटरनेशनल आइकनिक अवार्ड दुबई में दिया गया है। वर्तमान समय में मैं PhD की क्लासें रन करता हूँ, और मेरा ज्योतिष के अंदर चंडीगढ़, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दिल्ली सब जगह ऑफिस हैं मेरे। तो पापा, आप हमारे को बताइए कि कौन कौन से ग्रहों का रोल होता है, किन किन बीमारियों में होता है, और क्या उनकी रेमेडीज होती हैं, थोड़ा सा आप गाइड कीजिए, ताकि हमारी जो ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो इस समय आपको देख रहे हैं, वो सारी बातचीत को इन डेप्थ समझ सके। बताइए पापा। देखिए, सौर मंडल के अंदर आपने अच्छा क्वेश्चन किया, 12 तो अपने राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं जी। तो ये ओवरऑल जो जोड़िएक होता है, जिसको भय चक्र बोलते हैं, उसके अंदर 360 डिग्री के एंगल पे सभी ग्रह घूमते हैं ये जी। तो कौन से ग्रह पृथ्वी पे अपनी किरणों के द्वारा कैसे इफेक्ट करते हैं, उसका मैं आपको विवरण देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो अपना प्राइम जो प्लेनेट है वो है सूर्य, इसको सन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये जो है आईसाइट को कंट्रोल करता है एक तो जी, दूसरा हेडेक, तीसरा ब्लड सर्कुलेशन, फिर जो वीक बोन्स हैं उनको अपने हेड के ऊपर बार्डनेस यानी गठन आ जाना, इसको कंट्रोल करता है। बोन मैरो को कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, और हड्डियों की जितनी भी बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करता है। तो सूर्य का जो सबसे पहले मेन रोल रहता है, सूर्य के बाद, सूर्य को क्या है, सौरमंडल का राजा बोलते हैं, चंद्रमा को सौरमंडल की रानी बोलते हैं। तो चंद्रमा होता है, मून को बोलते हैं कि मून इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स, ये कंट्रोल करता है लेडीज के अंदर यूट्रस को और ओवरीज को। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर लंग्स को कंट्रोल करता है। फिर तो हमारे जो अन्य डिजीज है, जैसे कि आप अस्थमा मान लो, खांसी मान लो, ड्रॉपसी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर हो गए, वाटरी डिजीज हो गए, शरीर के अंदर पानी की कमी होना, एनीमिया वगैरह, मेंटल जी जो भी है समस्या है लोगों को, मेंटल रिटार्ड, मतलब डिप्रेशन भी इसमें आएगा। डिप्रेशन भी एक कारण है, नर्वसनेस हो गया, सीरियस जो आपके मिर्गी वगैरह के जो दौरे पड़ते हैं, ये सब चीजें थर्मा कंट्रोल करता है जी जी जी। क्या क्वेश्चन था आपका, क्या पूछा था आपने? जो माइग्रेन, डिप्रेशन अगर हम देखते हैं, और इसके अलावा जो ब्रेन से जुड़ी हुई जो डिजीज है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा माइग्रेन वगैरह का थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसको, इसमें थोड़ा सा शनि और बुध का भी रोल आएगा। हाँ जी, लेकिन बेसिकली ये सब चीजें जो है मून से कंट्रोल होती है। हाँ जी, मून का रोल क्या है कि सिर्फ वाटरी प्लैनेट, जैसे वाटरी राशि है 4, 8 और 12, इनको ज्यादा इफेक्ट करता है, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और जो है मीन राशि। इसी तरह मून के जो पार्ट्स मैंने बताया, लंग्स वगैरह, ये सारे हैं जी जी जी। मतलब मून का ये रोल है, हाँ, जो शरीर के अंदर पानी खत्म हो जाना या मिर्गी के दौरे पड़ना, ऐसी जो बीमारियां हैं उनको जो है मून कंट्रोल करता है जी 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 जी। उसके बाद में फिर हम लेते हैं मंगल, मार्स जी जी जी। मार्स जो है ये ब्लड से रिलेटेड इतने डिजीज है उनको कंट्रोल करता है, टिश्यू का ब्रेकेज हो जाना, कार्टिलेज का ब्रेकेज होना, जैसे अपन कहते हैं कोई गिर गया तो उसके कहते हैं जी अपने पाँव में सोते पड़ी है, जो भी आ गया, कार्टिलेज टूट जाते हैं, उसको ब्रेकेज बोलते हैं। हाँ जी। फिर हो गया फीवर, हो गया बर्न्स, हो गया जल जाना। हाँ, फिर मेंटल एब्रेशन हो गया, देन टिमिडिटी, ये भी डिजीज है। हाँ जी। ये सारे के सारे अगर मंगल किसी कुंडली में नीच राशि का है तो वूम्स हो गए, इपिलेप्सी हो गया, ट्यूमर्स हो गए, ये सब के सब मंगल कंट्रोल करता है। हाँ जी, तो हमने सूर्य, चंद्र और मंगल कवर कर लिया है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बुध की, मरकरी जी। मरकरी क्या है कि हमारे शरीर में जो दांत होते हैं ना, उस पोर्शन से एक तो कंट्रोल करता है। हाँ जी। एक हमारे जो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा मरकरी का सबसे क्रूशियल रोल होता है नर्वस सिस्टम, जो बॉडी का नीचे, हेड से नीचे सिस्टम है, उसको ये मरकरी कंट्रोल करता है।
जी जी तो मरकरी जो है बेसिकली क्या है कि इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ये जो खून की जो नाड़ियां होती है इनके अंदर जो हवा होती है वो मरकरी होती है और इनके अंदर जो खून चलता है वो होता है मार्स। जी जी तो नाड़ियों की बनावट को जो कंट्रोल करना वो बुध का काम होता है। उससे जो है नर्वसनेस आ जाता है लोगों के हाथ पैर कई लोगों के कांपने लगते हैं, कुछ लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनके हाथ पैरों में कंपन आ जाती है, कुछ लोगों के पैर पार्किंसन से एक रोग होता है वो कांपने लगते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है बुध कंट्रोल करता है। बुध इसके अलावा बुध जीवन का भी कारक है। तो कोई आदमी बड़ी ज्यादा बकवास करने लगता है, उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, तो ऐसे आदमी को भी जो है बुध कंट्रोल करता है, उसको बोलने की बीमारी होती है, ये भी एक तरह से बीमारी है। हाँ जी, तो कुल मिला के ये हो गया कि मेंटल डिजीज हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, एक्सेस स्वेटिंग, शरीर में से पसीना ज्यादा निकलना, फिर इम्पोटेंसी, कोई कुंडली ऐसी होती है कि उनकी औलाद नहीं होती है। अगर बुद्ध मान लो साथ में घर में अकेला बैठ के तो ऐसी जगह औलाद नहीं होती है। अच्छा। तो इम्पोटेंसी बोलते हैं इसको। जी, उसके अलावा वर्टिगो जिसको बोलते हैं चक्कर आना। अच्छा। फिर सेंसिटिवनेस जैसे दांतों में ठंडा लगना गर्म लगना ये सारा बुध कंट्रोल करता है। जी जी जी। एंड डीपनेस एंड स्किन डिस्पर्स, स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं त्वचा की बोलते हैं चमड़ी की हिंदी में जिसको बोलते हैं ये सारी की सारी बुध कंट्रोल करता है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपना जो प्लेनेट है इम्पोर्टेंट प्लेनेट है दैट इज जुपिटर। जी जुपिटर की जो मेन राशि पड़ती है वो हमारे पेट के ऊपर पड़ती है, स्टोमक का जो पोर्शन है उसके ऊपर पड़ती है, या जुपिटर का पैरों में जैसे गुरु का निवास होता है तो वहां भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन जुपिटर के रिलेटेड जो चीजें होती है, जुपिटर क्या है ब्रह्मांड के अंदर एक हवा है, स्वच्छ हवा बोलते हैं इसको। तो जो आदमी फूले होते हैं ओबिसिटी जिनमें होती है मोटापा होता है उसमें जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जुपिटर जो है जिसको बृहस्पति बोलते हैं हिंदी में और गुरु भी बोलते हैं वो जॉन्डिस को कंट्रोल करता है, लीवर के डिजीज इसको भी कंट्रोल करता है जुपिटर, किडनी इसको भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। हालांकि किडनी में शुक्र का भी रोल साथ में होता है लेकिन जुपिटर का भी इसके अंदर रोल होता है। जब भी जुपिटर राहु इकट्ठे हो जाते हैं तो गुरु चंडाल दोष के कारण ये क्या है कि वहां पे स्टोन्स बनाने शुरू कर देते हैं किडनी के अंदर, तो वहां पे जुपिटर हमको नुकसान करता है। फिर लेजीनेस, आदमियों में कहीं उठते ही नहीं है सुबह जल्दी, या वो काम करने में कोई सोचते हैं चलो कल कर लेंगे दो घंटे ठहर के कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो जुपिटर। अगर गुरु खराब हो तो ये ऐसा नहीं होता कि गुरु अच्छा है, मान लो किसी ने गुरु उच्च राशि क्या है वो आदमी एक्टिव होता था, मेरी खुद की कुंडली में गुरु उच्च राशि क्या है तो मे बी मेरे को कभी लेजीनेस नहीं होती, आई जल्दी वेक अप एट 4 AM। तो इस तरह गुरु का डिपेंड करता है कि अगर आपका गुरु खराब है, गुरु आपका मकर राशि में है बीच का है तो खराब करता है, ये मेन चीज है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये हर स्टार पे लागू होती है। जी। हर स्टार आपकी कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, उससे दृष्टि अच्छी नहीं है तो वो खराब करेगा, वैसे खराब नहीं करता। जी जी। फिर आपके जो है क्रोनिसिटी ऑफ डिजीज हो गया, गाल ब्लैडर के डिजीज जैसे लेडीज के अंदर होता है, गाल ब्लैडर को रिमूव भी करना पड़ता है। फिर स्लीपिंग सिकनेस, सोने के बाद जो बीमारियां होती हैं, कईयों को खराटे आ गए, कईयों को नींद में चलने की आदत हो गई, तो ये सारी की सारी जितनी भी बीमारियां हैं इसको गुरु कंट्रोल करता है। मतलब तो स्टमक से काफी जुड़ा हुआ है, स्टमक से काफी जुड़ा हुआ है गुरु का। हाँ, स्टमक के पास जो है ना नाभि के ऊपर वाले पोर्शन में वहां पे जो एक तो सन का वहां पे शासन होता है सूर्य का, जी राशियों के हिसाब से देखे और ग्रह के हिसाब से जुपिटर का होता है। जी, जी। तो जिसका भी कुंडली में सूर्य और गुरु खराब है उसको पेट के रोग अक्सर होते देखे गए हैं। जी जी। अभी मैं अपने व्यूअर्स को एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे पापा बता रहे हैं आपको कि ये ग्रह ये काम करते हैं, अभी हम आगे इसके उपाय भी हम कवर करेंगे तो आप ध्यान से अंत तक सुने। हाँ जी। और फिर लाल किताब के उपाय भी आप बताओगे। लाल किताब के बताएंगे तो फिर आगे अभी हम राहु की तरफ बढ़ते हैं। राहु के तो मैं लास्ट में लूंगा, उससे पहले मैं लेता हूँ शुक्र। जी जी। शुक्र भी है हमारी बॉडी में क्या है कि सेक्सुअल पोर्शन को कंट्रोल करता है, नाभि से नीचे के जितने भी रोग हैं उनको शुक्र कंट्रोल करता है। तो शुक्र जो है वेनेरियल डिजीज हो गए जैसे VD बोलते हैं जिसको, फिर वो सेंसिटिवनेस डायबिटीज हो गया, ब्लैडर में स्टोन हो गया, किडनी के अंदर भी, क्योंकि ये शुक्र क्या करता है एक्चुअली ये बॉडी का जो वाटर हम पीते हैं किडनी में जाकर उसको फिल्टर करने का काम करता है। अब किसी का शुक्र नीच राशि का है तो वो वाटर को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाता तो उसके जो है जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर डिजीज शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह से सेक्सुअल डिजीज है, किसी के संतान नहीं होती, मान लो किसी का सूर्य नीच राशि का सूर्य के शुक्र के साथ पड़ गया तो शुक्र खत्म हो जाता है, तो जो स्पर्म की फॉर्मेशन है जो स्पर्म के अंदर गति है ये सारी की सारी चीजें जो है ये शुक्र कंट्रोल करता है। अब जब मैं गति की बात करता हूँ तो शुक्र के साथ हमें मंगल भी देखना पड़ेगा, अगर मंगल में भी जान नहीं है और शुक्र में भी जान नहीं है तो वो जो स्पर्म है दैट विल नॉट फॉर्म ए जायगोट,
बाई मेटिंग विद ओवरी। जी जी, इस कारण ये सारी चीजें, ये मतलब बड़ा डिटेल इसके इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चीजें है ये। तो शुक्र जो है हमारी बॉडी के अंदर इन चीजों को कंट्रोल करता है। इनफर्टिलिटी भी इसका पार्ट माना जा सकता है, मतलब इनफर्टिलिटी। जी जी, इसीलिए तो आजकल जो जितने भी IVF के जो क्लिनिक्स चल रहे हैं वो सारे शुक्र की वजह से चल रहे हैं। अगर शुक्र खराब ना होता तो इनका बिजनेस ही बंद हो जाता। जी 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 जी। देन सैटर्न की बात करते हैं, शनि। हाँ जी, शनि हमारे बॉडी के अंदर जो है जॉइंट्स को कंट्रोल करता है। जॉइंट हो गई, गठिया हो गई, बाय हो गई, ये रोग हो गए, और इसके अलावा पैरालिसिस, मैंने आपको पहले भी शायद ये बताया हुआ है, अगर ये शनि मंगल के साथ होते पैरालिसिस का अटैक करता है। इंसेनिटी, पागलपन, कैंसर का शनि और चंद्र दोनों साथ हो तो भी होता है, लेकिन बेसिकली कैंसर ये हो गया इसके अंदर। फिर कुछ बड़े ट्यूमर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते बॉडी के अंदर, वो भी सैटर्न करता है। और ग्लैंडुलर डिजीजेस, ग्लैंड से रिलेटेड जितने डिजीज है वो। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात शनि की है कि शनि हमारे बॉडी के अंदर हेड का जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है, न्यूरो डिजीज। जबकि बुध जो है वो नीचे वाली पोर्शन के ऑर्डिनरी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जो हमारा ये टफ नर्वस सिस्टम है जिसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं उसको शनि कंट्रोल करता है। अब कईयों का ब्रेन डेड हो जाता है, कईयों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ऐसी कुंडलियों के अंदर शनि की स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर शनि नीच राशि का है और कुंडली में लग्न कुंडली के अंदर हेड पे बैठा हुआ है, साथ में मंगल भी उसका खराब है, तो ऐसे व्यक्तियों को ब्रेन हैमरेज की संभावना भी हो जाती है। मतलब गंभीर रोग सारे जो हैं वो काफी हद तक शनि के उसमें आते हैं, आधिपत्य में आते हैं। पैरालाइज कर दिया बॉडी को। हाँ जी, पाँव में चोट लग गई, पाँव में सूजन आ गई, लंगड़ा कर दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, जैसे एक पाँव कट गया, शनि का रोल हो गया। जी जी जी। तो शनि के बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन किया था राहु का। हाँ जी, राहु का हमारी बॉडी के अंदर फाउल गैस होती है। जुपिटर तो फ्रेश गैस होती है, ये राहु है अपान वायु, ये जो है फाउल गैस होती है। तो बॉडी के अंदर एसिडिटी हो गए, खट्टे डकार हो गए, और बॉडी के अंदर अज्ञात बीमारियां होगी जो डायग्नोज नहीं हो पाती, वो राहु हो गया। हाई क्वालिटी का कफ, ऐसा कफ जो रुकता ही नहीं है, आदमी इतना इलाज करता है बार बार खांसता ही रहता है। फिर एक्शन के अंदर स्लोनेस, आदमी चलता है इतनी तेजी से निकलता है घर से काम करने को और आगे काम नहीं कर पाता, उसका मूड ऑफ हो जाता है, ये भी राहु की तरह एक बीमारी है। फिर इंटेस्टाइनल डिजीजेज भी काफी हद तक है, इंसेनिटी भी इसमें आएगा, लेप्रोसी भी इसमें आएगा, अल्सर भी इसमें आएगा। देन बॉइल्स, ये बॉइल्स जो होता है फॉर्मेशन होता है, ये जूस होता है बॉडी के अंदर बनता है। देन वेरिकोस वेन्स, ये भी एक वेन्स का मेन पार्ट है, जैसे मैंने न्यूरो बताया वैसे वेरिकोस वेन्स भी होती है बॉडी के अंदर। और स्प्लीन के डिजीज, तिल्ली जिसको बोलते हैं, उसके रोग भी राहु कंट्रोल करता है। प्लस इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग हम कहते हैं कि इसको पकड़ हो गई, इसको छाया हो गई, वो किसी चूणे से निकल गया, किसी चकारे से निकल गया, तो ऐसे लोगों को क्या है कि एक अजीब सी मतलब उनके पकड़ हो जाती है और पागलपन की तरह करने लग जाते हैं। कुछ लोग इनको मंदिरों में ले जाते हैं, बालाजी के मंदिरों में ले जाते हैं, तो जिसके भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया, टोना चढ़ गया, ये भी एक तरह से बीमारी है, ये भी राहु और केतु की वजह से होती है। बेसिकली राहु का रोल है इसके अंदर, मतलब नेगेटिव एनर्जीज तुरंत घेर लें, जल्दी से घेर लें, और उनका इम्पैक्ट भी दिखने लगे दिमाग पे, तो उस तरह की चीजें भी उसमें आ जाती हैं। बिल्कुल। और तो केतु और बुध का रोल, राहु और केतु, अच्छा राहु और केतु क्या है, इनकी बॉडी की दो पार्ट है, राहु ड्रैगन हेड होता है, केतु ड्रैगन टेल होती है। तो लास्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि केतु जितने भी है इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं, आजकल जैसे वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये सब केतु के डिजीज है, ये सब मिस्ट्री डिजीज है, पता ही नहीं लगता। 15 दिन पहले तो कोई कोरोना वायरस जानता नहीं था, और आज कोरोना वायरस से चाइना में अभी हजारों लोग मर रहे हैं। हाँ, 55 मिलियन लोग अभी ग्रिप में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह इरप्टिव फीवर्स हो गए, ऐसे फीवर्स हो गए जो डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, लो ब्लड प्रेशर हो गया, और मार्स भी जैसे ब्लड को कंट्रोल करता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर खासतौर से वो केतु का होता है। और इसी तरह मंगल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर करता है, लेकिन केतु लो ब्लड प्रेशर करता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपकी स्पीच अगर डिफेक्टिव है, आपको बोलने में हकलाना हो गया, ये भी एक केतु का रोग है। अच्छा। तो इस तरह के जो फिर जितने बॉडी के अंदर रेस्टमल डिजीज होते हैं, इनको केतु कंट्रोल करता है। और केतु चूंकि पाँव में हमारा इसका केतु का निवास होता है, तो पाँव की जो वेन्स है, एंकल के जो डिजीज है, अचानक से उनमें हाथी पाँव हो गया, जैसे मोटा हो गया पाँव, कहीं का हो जाता है, एलिफेंटाइटिस, ये सारे के सारे डिजीज केतु कंट्रोल करता है।
तो ये मैंने ओवरऑल आपको 9 प्लैनेट्स के बताए कि कौन कौन से डिजीज को फ्रॉम हेड टू टो कैसे मतलब आते हैं और कैसे ये अराइज होते हैं, कौन से ग्रह से कौन से डिजीज अराइज होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इसमें अब हम देखते हैं रोल जो है अगर हम सीवियर बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर ट्यूमर्स जो हैं उनमें हम सैटर्न को भी कंसिडर करेंगे जब हम रेमेडीज, ये मैं उस वहां से कनेक्ट कर रहा हूँ बातों को। चंद्रमा भी आएगा, कैंसर में केतु भी आएगा, कैंसर में शनि भी आएगा। और आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या आपने अभी जैसे हमारे को ये सारी बीमारियां एक्सप्लेन मतलब जिन जिन ग्रहों के कारण होती है वो बताया है, परंतु क्या इनके उपाय हम कर सकते हैं और क्या इनके आसान उपाय अवेलेबल है? इनके देखिए जी उपाय तो सबके जितनी भी बीमारियां होती हैं 100% होते हैं। अब यहाँ पे जब हम उपाय की बात करते हैं तो यहाँ पे हम वैदिक ज्योतिष के अलावा लाल किताब की बात करते हैं। तो लाल किताब के अंदर काफी चीजें दी गई हैं जिसमें कि वर्ष कुंडली बनती है, उसके आधार पर निर्धारण करता है कि इस साल कौन सा ग्रह किसी व्यक्ति के कुंडली में वर्ष काल में कौन से स्थान पे आएगा, उसके आधार पर उपाय करते हैं। तो इन सभी ग्रहों के उपाय हो जाते हैं और काफी हद तक 60-70% के रिजल्ट मेरे कह रहे हैं 30 साल में कह रहे हैं मिले हैं लोगों को। लेकिन उसके अलावा हम क्या है कि हम तो कहते हैं डॉक्टर की सलाह भी लो आप, मेडिकल एड भी लो, लेकिन जो हम इलाज करवाते हैं उनसे काफी हद तक क्योर भी हो जाता है। जी। तो ये मतलब पूरा का पूरा जो जितनी बीमारियां हैं ये हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि इनमें उच्च के ग्रह होते हैं और नीच के ग्रह होते हैं, वो अपना रोल मेजरली प्ले करते हैं। देखो हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है कि 5 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश। ये तत्व ब्रह्मांड में भी ऊपर घूम रहे हैं और ये तत्व हमारे बॉडी के अंदर भी है। तो अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश को बाहर से आप अंदर साध लो या अंदर से बाहर साध लो तो आपको कोई डिजीज नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं आप प्राणायाम करो, कपाल भाति करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप उन्हीं ग्रहों को मेंटेन कर लेते हैं। तो अगर आप नेचर से क्योर कर ले तो सबसे बढ़िया है। इन्हीं चीजों को अगर आप बैलेंसिंग कर लेते हैं तो इन्हीं तत्वों के जो रोग हैं इन ग्रहों के कारण नहीं होते हैं या उनमें कम हो जाते हैं। जी। इवन नेचर से वनस्पतियों से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कभी आपको मान लो स्किन का डिजीज हो गया बुध के कारण, हम कहते हैं आप सुबह उठ के नीम की 2 ताजी पत्तियां खा लो, ऊपर से पानी पी लो, तो 100% आपका क्योर होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये हम प्रैक्टिकली करते हैं चीजें। समझ लो आपको खांसी हो गई, हम कहते हैं यूकेलिप्टस के पत्ते जाके आप 2 चबा लो। जी। आपको किडनी स्टोन हो गया, हम कहते हैं पत्थर चट्टा के पत्ते आप 2 खा लो, बिल्कुल कंट्रोल होता है। समझ रहा। आपको पायरिया, आपको और कोई डिजीज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, हम कहते हैं तुलसी के पत्ते जो है हालांकि उनको चबाना नहीं चाहिए लेकिन तुलसी को इंटेक करते हो तो काफी डिजीज कंट्रोल होते हैं। इवन हम अब खांसी होती है तो बच्चों को जरूरी हम देते हैं अदरक, कहते हैं शहद के साथ ले लो, अदरक वनस्पति तो है। जी। तो हम कहते हैं गठिया हो गया आपको गले के अंदर, सॉरी ये हो गया आपको थायराइड, हम कहते हैं धनिया का पानी पी लो, तो ये क्या चीजें हैं, सब वनस्पतियां हैं। तो ये नेचर होगी एक तरह से। अच्छा, जब आप नेचर से जुड़ोगे तो भी क्योर हो जाएंगे और हम जो इलाज बताएंगे, हम जो स्टोन रेमेडीज बताएंगे उससे भी हो जाते हैं। मतलब पंच तत्वों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसको हम प्राणायाम, योग और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति से और ज्योतिष की मदद से, लाल किताब की मदद से, इवन जेम स्टोन्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। अब जैसे ग्रहों के जैसे रोल है, इसी तरह से हम खुद खराब कर लेते हैं। मान लो कोई आदमी एक्सेसिव ड्रिंक करता है, शराब पी रहा है, हम उसको मना करते हैं भाई शराब मत पी, इसी तरह शनि खराब हो रहा है। अब मान लो उसकी कुंडली में शनि लाभ भवन बैठा है, अच्छे उसको फायदा देना चाहता है, लेकिन वो क्या है कि उसको पी पी के शनि को अपने खराब करे जा रहा है, तो बटना चल रहा है कि उसको रोग लगेगा लगेगा, उसकी कमाई भी खत्म हो जाएगी, उसको रोग लगेगा। हम कहते हैं आप जनरल घरों में दादी नानी सब कहते हैं जी नमक ज्यादा मत खाओ जी, बीमारी होती है। नमक क्या है, नमक के अंदर शनि होता है। अगर आप ज्यादा एक्सेस खाओगे तो आपने शनि को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब शनि क्या है, मंगल का शत्रु है, मंगल क्या है, खून, तो आपने अपना ब्लड खराब कर लिया, आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो गया। ये चीजें एथिक्स भी फॉलो करने पड़ते हैं इसके अंदर। मतलब एक कह सकते हैं कि हमारे शरीर का संबंध कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि एज वेल एज हमारे कैरेक्टर के साथ भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सैकड़ों कुंडलियां बताता हूँ कि अगर आपके घर में 8वें घर में राहु पड़ा हुआ है, साथ में कोई गुरु पड़ा हुआ है, आप रात को सब्जी मत खाओ, ये पनीर मत खाओ, रात को दही मत खाओ, उसका कारण यही है कि दही और पनीर अगर आप रात को खाते हो तो 100% आपको स्टोन बनता नजर आएगा, और ऐसे आदमी को स्टोन होते देखा मैंने। प्रैक्टिकल चीजें जो हम बताते हैं वो सारी चीजें प्रैक्टिकल है, जो कि कुंडलियों में आज तक मैंने लोगों को बताए हैं और वो 100% सही हुए हैं, 70% सही होते हैं वो डिजीज।
मैं आपको मेरी लिस्ट से बताता हूँ, तो हम क्या है कि इसको अल्फाबेटिकल शुरू करते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। जैसे मैं ए से पहले शुरू करता हूँ। हाँ जी, तो इसके हिसाब से मैं आपको पहले बीमारी बताऊंगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, कौन सा प्लेनेट इसको कॉज करता है, उसका क्या जेमस्टोन है। मैं इस तरह से आपको तीन चार वे में, और एक एक लाल किताब की रेमेडी भी आप ऐड कर दीजिए। और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नोट करें प्लीज, ये अब सारी इंपॉर्टेंट चीज है जो जो आप बोल रहे हैं, हम आप इनको नोट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी बीमारियां आपकी जिंदगी में जुड़ी हैं वो खत्म हो सके जड़ से। आज इस वीडियो का यही एक तात्पर्य है ताकि हम अपना जो टारगेट है अचीव कर सके। तो आप शुरू कीजिए पापा।